पहले ज्योति का फोटो खिंचवा दो इसका बस। ठीक है ठीक है जी, किसी और को देखो शूटिंग ले रवि ले लो बढ़िया सुन। अब सुनिए कान जरा गौर से सुन लीजिए, यहाँ हमारी बहनें माताएं भी थी, बहुत सारी आई भी थी बड़ी संख्या में, हमारी बात हुई है। ये फोटो से इम्पोर्टेंट है मेरी बात यार। जी जी जी, जी। फोटो जब मैं मर जाऊंगा ना तो आराम से अपने अपने घरों में लगाना, अभी काम की बात है। ये तो एक निश्चित सत्य है कि मौत आनी है, इसमें नहीं भैया भैया वो नहीं चलता, ये तो आनी आ जाएगी, दस साल बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम की बात सुनिए, हमारी बात हुई है और आईजी साहब ने और जो डीएसपी उसकी जांच कर रहे हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हर हालत में उसको गिरफ्तार करेंगे। इन्होंने समय नहीं इसलिए दिया है कि उनका कहना ये कि हम प्रयास कर रहे हैं करने को, तो एक घंटे में अगर हमें मिल जाएगा तो एक घंटे में हम उसको ढूंढ देंगे और एक घंटे में आपको सौंप देंगे, मतलब हमें नहीं सौंपेंगे, कोर्ट में जेल भेज देंगे। लेकिन भोला पासवान और हमने भीम आर्मी की टीम की जिम्मेदारी लगाई है, अगर पुलिस को नहीं मिले तो हमारे लोग उसको ढूंढने में मदद करेंगे, ठीक है। और हमने उन्हें अपनी तरफ से जो है 10 दिन का समय दिया है कि वो 10 दिन के अंदर उसको जो है पैदा करें, कहीं से भी लाएं, अगर नहीं लाएंगे तो फिर बोल हमारे पाले में, फिर हम हमारा जो मनाएगा हम करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, जादू की छड़ी उनके पास नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ पुलिस अगर चाहेगी तो एक दिन में पैदा कर देगी। हो सकता है उन पर सूत्र के दबाव हो, सत्ता का, नेतागिरी का, और किस तरह का, कोई जनता पे कोई दबाव नहीं है, आप पे दबाव तो नहीं है ना। ज्योति के पिताजी ने मुझे कहा कि मैं गर्दन कटवा दूंगा लेकिन समझौता नहीं करूंगा, तो मैं आपसे कहता हूं कि उसे चाहे मुख्यमंत्री भी चाहे तो उसको बचा नहीं पाएगा, वो जेल जाए। बाकी बची कोर्ट की बात, तो मैंने आश्वासन दे दिया कि उनके कोर्ट का पूरा खर्चा उनके करके मैं मजबूती से उस केस को लड़ूंगा, उसको फांसी करूंगा। तो मुझे आपसे कहनी है, सुन लो देखो, नेतागिरी होती है ये, एक दिन दुख सुख में जाके हाल जान के और बड़ी बड़ी बातें करके लोग चले जाते हैं, आप सब जानते हैं, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, लेकिन उस परिवार को जिसकी भी मदद की जरूरत पड़े वो जाए, तब तो है मदद की बात, वरना फिर है राजनीति। अब ये बताओ तुम लोग उसका साथ दोगे या नहीं दोगे, ऐसा तो नहीं भूल जाओगे उस परिवार को 10 दिन बाद उसके घर को जाके बिना झाँके, ऐसा नहीं होगा सर। देखो अभी एक मामला हुआ था मेरठ में, तो जब मैंने देखा प्रशासन ढीला डवाली कर रहे हैं, मैंने 15 नौजवान अपने लगा दिए वहाँ कि तुम 15 के 15 यहाँ सुरक्षा करोगे, और भीम आर्मी का नौजवान गोली खा लेगा लेकिन पीठ नहीं दिखाएगा, ये मैं बेहतर जानता हूँ, समझ रहे हो। तो मैंने उनसे कहा वो 15 के 15 नौजवान अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं, तो मैं ये आपसे भी चाहता हूँ दरभंगा के साथियों से, बिहार के साथियों से, उस परिवार को महसूस कराएं कि सच में उनको उनके घर के लोग उनकी मदद के लिए खड़े, ये बस इतनी मदद आप लोगों को करेंगे, किसी दूसरी ज्योति के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हमें कमर कसनी पड़ेगी, समझ रहे हो। अगर आपने आज चुप्पी रखी तो कल पता क्या, कल फिर किसी ज्योति के साथ ऐसा होगा, अपराधियों के हौसले बढ़ जाएंगे, और हमें अपराधियों के हौसले नहीं बढ़ाने, उनको ये बताना है कि अगर सोचोगे भी तो सजा भुगतनी पड़ेगी। बाकी रही बात उसकी कि मैंने एक बात और कही थी, और मैं चाहता हूँ, मैं खून हूँ आपका, मैं काम करता हूँ, कुछ अधिकार मेरा भी बैठता होगा अपने लोगों का, बैठता है नहीं बैठता है, मौका मिलेगा आप लोगों को, जिन लोगों के आगे आज हमें जिनके दरवाजा खड़ा होना पड़ रहा है, मौका मिलेगा कि ये आपकी आपके फोन पे आएंगे, बिल्कुल उस समय गलती मत करना, बस इतनी सी बात कह रहा हूँ, उस समय गलती करोगे तो फिर ये रोड होगा, जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती है, चुनाव आएंगे चले जाएंगे, लेकिन चुनाव की गलती फिर 5 साल भुगतनी पड़ती है, मौका मिलेगा तो सबक सिखाना, आप कोई अकेला नहीं जाता, आप सब लोग मिलेंगे, हम सब लोग मिलकर। सर CS पैसा लेके गलत रिपोर्ट किया है उस पे, उस वाले में मैंने वो कर लिए, उसको देखिए जो रिपोर्ट हुई है ना, मेडिकल रिपोर्ट जो है उसके लिए कह दिया IG साहब को, दे दिया मैंने 17 बच्चों के नाम जो है दे दिए हैं, उन्होंने कहा मैं जांच करूंगा, मैंने कहा एक भी निर्दोष जेल नहीं जाना चाहिए, कह दिया जो बताया गया ना उस पे मैंने सब लोगों का सारे काम कहे हैं। एक बात मैं और बता रहा हूँ, एक ये खबर है कि भाई मेडिकल रिपोर्ट में कोई छेड़खानी हुई तो उसकी वीडियोग्राफी 100% हुई होगी, और हम कोर्ट कानून को जानते हैं, IG साहब छोटे DGP साहब को भी तलब करवा दूंगा अगर कोई खेल होगा यहाँ, समझ रहे हैं।
अगर यहाँ कोई खेल होगा तो आईजी साहब नहीं, डीजीपी साहब को भी तलब करवा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है यहाँ, हम कानून जानते हैं। अगर अगर मेडिकल रिपोर्ट को उसको वीडियोग्राफी को दोबारा जांच करवा देंगे, ये बहुत छोटा सा काम है, एक एक एप्लीकेशन पे हो जाएगा। लेकिन अगर अपराधी को बचाने का प्रयास करेगा तो मैं जानता हूँ, हमने यूपी में बहुत सारे अधिकारी ऐसे सीधे करे हैं जो अपने आप को कहते थे कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, जैसे ही उन्होंने कुछ किया तो सेक्शन 4 में SC ST मुकदमा दर्ज करवा के जेल की वो लिखवा दी है। अभी अगर बिहार भी ऐसा चाहता तो बिहार को भी मंजूर सही, कोई दिक्कत। बिहार आपके साथ है भैया, पूरी तरह मैं कुछ काम कर लूँ अगर इजाजत हो आपकी, मेरे में बहुत सारे काम, मदद कराते रहिए बस, ठीक है। आज के लिए आने के लिए आप सब लोगों का, सभी संगठनों का, सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद बीच में छोटा तुम लोग, ये बहनें जो खड़ी हैं, बहुत बहुत साधुवाद। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए, चलिए आइए, आइए, आशीर्वाद दीजिए। वहीं का है भैया, ख्याल रखिएगा, वहीं का पसंद ख्याल रखिएगा। सब एक ही है, सब एक है। इन लोगों को भी बहुत मारा था, 24 घंटे सातों दिन आप एक टांग पे हो तो एक टांग पे खड़ा मिलेगा। आप ये आपकी मदद के लिए है, कोई एहसान नहीं कर रहा आपके ऊपर, ये आपके काम करने के लिए, इसलिए ये काम कर रहा है। और ये आगे भी आपकी आवाज को बहुत लंबी दूरी तक उठाएगा, और ये आपके आपका जो है पूरा ख्याल रखेगा। आप इसे आशीर्वाद बना करके सब लोग, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था हम कितने ताकतवर हैं, ये ज्योति ने बताया, समझ रहे हो। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हमें गाजर मूली ना समझा जाए, हम इलाज भी करना जानते हैं, तो ज्योति के लिए मंगल कामना है। आप सब लोग ज्योति को भी जो है इसका प्रोत्साहन करो, ये आने वाले कल में समाज का नाम रोशन करेंगे। ख्याल रखना, ये छोटी बहन का फोटो खींचो मेरे साथ, बताओ जब ये जेल जाएगा तब दूंगा। एक बार सर, हो जाए, भैया आया।